कर्नाटक में बीजेपी का उखड़ गया तंबू, भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल, दिल्ली तक मचा हाहाकार। जी हां, आपको चले कि चुनावी राज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व नेता और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिव कुमार ने बेंगलुरु में इसकी जानकारी दी है। लक्ष्मण सावदी ने 12 अप्रैल को अथानी विधानसभा सीट से अपना टिकट काटे जाने के बाद विधान परिषद सदस्यता से और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो चुके। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के खेमे में सेंध लगा दी है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व भाजपा नेता लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि कोई शर्त नहीं है, उनको लगता है कि उसका अपमान किया गया है। ऐसे बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी में लाना हमारा कर्तव्य है। 9 से 10 से अधिक मौजूदा विधायक है जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें समायोजित करने के लिए जगह नहीं है। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, राज्य के विपक्ष के नेता सिद्धारमैया से बेंगलोर में उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बताया चले कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आज मीडिया से बताया कि आज शाम 4 बजे कांग्रेस पार्टी में लक्ष्मण सावदी को औपचारिक तौर से शामिल किया जाएगा। इस मौके पर वे मीडिया से बातचीत करेंगे। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी को सावदी के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस में शामिल होने की लक्ष्मण सावदी की एकमात्र शर्त है कि उनके साथ सही व्यवहार किया जाए। सिद्धारमैया ने कहा कि यह 100% तय है कि लक्ष्मण सावदी को अथानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वे जरूर जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए, उसके बाद से दिल्ली तक हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।